तो गैस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका दोस्त तेजे। तो गैस जैसे काफ़ी ज़्यादा आपकी क्वेरीज आ रही थी कि मतलब मेरी सोनेट है, मेरे मतलब जो आप पूछ रहे थे कि मेरी सोनेट कम एवरेज देती है, आपकी सोनेट इतना एवरेज कैसे निकाल रही है, आपकी सोनेट इतना एवरेज कैसे दे रही है, आप कुछ ट्रिक बताओ या कुछ चीज़ें बताओ कि हमारी भी सोनेट है, हमारी इतनी अच्छी एवरेज नहीं दे रही। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मतलब कि सबकी गाड़ी कम एवरेज या कम माइलेज क्यों देती है, किसी की गाड़ी अच्छी एवरेज अच्छी माइलेज क्यों देती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि समय समय पर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस पहले पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि ARAI जो माइलेज होता है जो किया सोनेट है उसकी कंपनी मतलब क्लेम करती है 18.2 ARAI जो माइलेज है उसके हिसाब से आपकी गाड़ी माइलेज या एवरेज नहीं दे पा रही, आप मतलब 15-16 दे रही है, 14-15-16 तक दे रही है, तो वो भी सही है। क्योंकि गैस जो ARAI माइलेज जो होता है ना, तो वो कंपनी मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशंस और कुछ लिमिटेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब कंपनी मतलब निकालती है माइलेज। तो वो माइलेज ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाड़ी में ऐसा कुछ, अगर आपकी 15-16 भी आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मतलब आपकी जो गाड़ी है वो खुल जाती है, तो सर्विसिंग ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि गाड़ी आपकी जो थोड़ी बहुत किलोमीटर चल लेती है 1000-1500 किलोमीटर, तो जो इंजन है ना उसकी परफॉर्मेंस बेटर होने लग जाती है, जिस वजह से वो माइलेज और एवरेज अच्छा देने लग जाती है। तो ये जो सब कुछ है ये सर्विसिंग पे इतना कुछ बेस नहीं होता है, फर्स्ट सर्विसिंग पे, कि फर्स्ट सर्विसिंग होगी और माइलेज मतलब अच्छी होगी एवरेज अच्छी होगी, ये आपके इंजन की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो अगर जैसे कि मान लो कि आप इंजन की जो परफॉर्मेंस है आपकी वो जैसे ज़्यादा चल जाएगी 1000-1500 किलोमीटर, तो कॉमन सी बात है आपकी इंजन परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी आएगी, तो इसमें सर्विसिंग का कोई ऐसा फैक्टर नहीं होता, सर्विसिंग का कोई ऐसा रोल नहीं होता, क्योंकि उसमें इंजन ऑयल तो आपका फर्स्ट सर्विसिंग में चेंज होता नहीं है। तो इस वजह से जो आपकी जो मतलब जब नई गाड़ी होती है तो उसकी माइलेज इसलिए कम आती है क्योंकि गाड़ी आपकी चली नहीं होती है। जैसे वो 1000-1500 किलोमीटर आपकी चल जाती है तो उसकी माइलेज डेफिनेटली अपने आप इंप्रूव हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, अगर आपकी किया सोनेट 15-16 की एवरेज भी दे रही है तो अपने आप में बेस्ट है। किया सोनेट ही नहीं जबकि और भी गाड़ियाँ, जैसे कि मान लो कोई गाड़ी है स्विफ्ट वगैरह 23-24 की माइलेज मतलब कि बताती है कि 23-24 की माइलेज क्लेम करती है, और अगर वो 20-19 की भी निकाल रही है तो बहुत अच्छी बात है एक टाइप में। क्योंकि जो गाइस मैंने आपको बताया ARAI जो माइलेज होता है आपका, वो जो आपका माइलेज होता है ARAI वो कंपनी मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशंस और कुछ ऐसे रोड्स पे मतलब चेक करती, जैसे पूरा हाईवे वगैरह, तो काफ़ी लिमिटेशंस के साथ वो निकाली जाती है कि गाड़ी ऐसे चलनी चाहिए वैसे चलनी चाहिए। और आपको पता है कि हम इतनी लिमिटेशंस के साथ गाड़ी चला नहीं सकते, तो उस हिसाब से अगर हमारी किया सोनेट में गाड़ी 15-16 की एवरेज निकाल रही है माइलेज दे रही है तो बेस्ट है अपने आप में। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो आपकी मैटर करती है वो है गिव एंड टेक वाला हिसाब, कहने का मतलब कि जैसे आप गाड़ी की केयर करेंगे वैसा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तो इससे आपकी माइलेज मतलब अच्छी रहेगी एवरेज अच्छी रहेगी गाड़ी की। जैसे जो आपका एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है या फ्यूल इंजेक्टर है, इसे टाइम टू टाइम आपको रेगुलरली मतलब थोड़ा चेक करते रहें, इसकी सफाई थोड़ी करते रहें, मतलब इसकी जो सफाई है थोड़ी करवाते रहें, और अगर रिप्लेस की ज़रूरत पड़े तो इसे रिप्लेस भी कराएं। इससे ये होगा कि जो आपकी माइलेज और एवरेज है गाड़ी की इम्प्रूव रहेगी। और दूसरी चीज़ और एक चीज़ और जो इस पर होती है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि मान लो हम जो इंजन ऑयल है, ठीक है, हमें कराना चाहिए चेंज, जैसे कि कोई ऑथराइज डीलर है, ऑथराइज सर्विस सेंटर है, कहने का मतलब किया की गाड़ी तो किया के सर्विस सेंटर से आप कराएं, ना कि किसी लोकल मार्केट से, लोकल मैकेनिक से। इससे ये होता है कि जो आपका लोकल मैकेनिक होता है वो कोई और विस्कोसिटी की जो इंजन ऑयल है वो डाल देता है। आप चेक करेंगे जो आपके ओनर्स मैनुअल आता है जो आपका किया का या किसी भी ब्रांड की जो भी ब्रांड की आपके पास गाड़ी है, तो उसमें लिखा होता है कि किस विस्कोसिटी का आपको इंजन ऑयल मतलब इसमें डलवाना है। तो इसलिए ये हमेशा आप कंपनी से करवाएं, ना कि आप किसी लोकल मार्केट या लोकल मैकेनिक से करवाएं, क्योंकि इससे होगा कि आपकी वो कौन सी इंजन ऑयल डालेंगे फिर उससे आपकी गाड़ी मतलब बेकार परफॉर्मेंस देगी, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी, इंजन आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, इंजन हो सकता है आपका अफेक्ट भी हो सकता है, आपकी माइलेज एवरेज अच्छी नहीं आ सकती। तो गाड़ी का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना हम खुद का ध्यान रखते हैं। तो आप मतलब कंपनी से करवाएं अपना इंजन ऑयल जो रिप्लेस है वो कंपनी से करवाएं, जिससे जो आपकी माइलेज है वो डेफिनेटली मतलब अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। तो गैस जो तीसरी चीज़ जो आपके डिपेंड करती है माइलेज अच्छी इंप्रूव कराने में, वो आपका होता है जो टायर जो होते हैं, कहने का मतलब टायर के जो प्रेशर होते हैं आपके, जो कहते हैं कि टायर में हवा मतलब कम ज़्यादा, तो वो चीज़ वो फैक्टर कहीं ना कहीं आपके माइलेज और एवरेज में बिल्कुल ही रोल निभाती है। तो इसमें दोस्तों जैसे आपके जो टायर है ना, ये आप मतलब इतना हवा भरवाएं कि मतलब कि जो ज़्यादा लोड ना पड़े टायर पे, क्योंकि टायर पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एवरेज वो आपकी कम देगी। तो टायर की हवा एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब 32 PSI तक टायर की हवा होनी चाहिए आपकी। तो
तो ये मतलब आपको चारों बैलेंस होनी चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि एक में टायर की हवा ज्यादा एक में कम है, नहीं तो इससे लोड ज्यादा पड़ेगा गाड़ी पे और एवरेज कहीं ना कहीं गाड़ी अच्छा नहीं देगी। तो एवरेज अच्छी देने के लिए आपको टायर का जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, वो अच्छा रखना पड़ेगा। ये आप मतलब पेट्रोल पंप में चेक करवा सकते हैं अपने टायर, अगर आपको हवा कम लग रही है, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट आता है टायर मेजरमेंट के लिए, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि इस वेरिएंट में SCS वेरिएंट है, इसमें आपको मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं आता है, GTX प्लस में आपको मिलता है। तो आपके पास डीजल गाड़ी है पेट्रोल गाड़ी है वो मैटर नहीं करता इसमें माइलेज उसकी कैसे बढ़ेगी, माइलेज का सबका एक ही फंडा है। तो ये कि टायर की जो प्रेशर है वो आप मेंटेन रखें और कम हवा ना रखें टायर पे, क्योंकि कम हवा रखेंगे टायर पे तो कहीं ना कहीं आपको लोड ज़्यादा पड़ेगी गाड़ी पे, और लोड ज़्यादा पड़ेगी गाड़ी पे तो इससे ये होगा कि जो आपकी एवरेज है माइलेज है वो गाड़ी कम देगी। और गैस जो चौथी चीज़ है वो आपकी जो मैटर करती होती है एक्स्ट्रा वेट गाड़ी में, कहने का मतलब जैसे आप गाड़ी में मतलब चल रहे हैं ठीक है, और कोई फालतू का वेट आपके रखा है जैसे डिक्की वगैरह हो गया आपका ठीक है, इसमें फालतू का वेट आपने घुसाया हुआ जो आपके किसी काम का नहीं है, तो इससे ये होगा कि जब वेट रहेगा गाड़ी में तो डेफिनेटली कॉमन सी बात है एवरेज गाड़ी कम देगी, माइलेज गाड़ी कम देगी। तो फालतू का जो वेट होता है गाड़ी में वो अपने साथ कैरी ना करें अगर वो आपके किसी काम का नहीं है, या फालतू का सामान जो गाड़ी में ऐसे पड़ा हुआ है उसको निकाल दें और फिर ट्रैवल करें, जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज और माइलेज अच्छी आएगी। और गाइस इसमें ये होता है कि जैसे आपको पता है कि पीछे लोग गार्ड लगवा लेते हैं ठीक है, तो उनमें वेट होता है जैसे पीछे गार्ड लगवा लिए बम्पर प्रोटेक्टर का, या फ्रंट पे गार्ड लगवा लेते हैं बम्पर प्रोटेक्टर का, तो इससे भी कहीं ना कहीं एवरेज इफेक्ट होती है, क्योंकि गाड़ी का वेट बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं इंजन पे थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, जिस वजह से गाड़ी की एवरेज जो है माइलेज जो है थोड़ी कम आती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मैटर करती है, तो इस वजह से हमारा जो एवरेज और माइलेज है गाड़ी का इफेक्ट होता है थोड़ा, तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर फालतू का वेट बढ़ा हुआ है गाड़ी में तो उसे कम कर देना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए ताकि गाड़ी की एवरेज अच्छी आए बेस्ट आए। आपने सुना होगा कि भाई मतलब कि दो गाड़ी है दोनों सेम वेरिएंट है, किया सोनेट है दोनों, टर्बो इंजन के साथ आ रही है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें होता है कि एक ऑनर कहता है कि भाई मेरी एवरेज तो इतनी आ रही है मतलब 17-18 दे रही है, और एक ऑनर कहता है कि मेरी एवरेज गाड़ी 12-13 दे रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि एक की एवरेज दे रही है 16-17-18 और एक की एवरेज दे रही है 12-13, जो क्योंकि गाइस इस पे ना गाड़ी चलाने के तरीके पे डिपेंड करता है। एक जो आपका जो ड्राइवर है जिसके पास सेम किया सोनेट है वो आपकी गाड़ी चला रहा है, वो ब्रेक लगा रहा है रफली, एक्सेलरेशन दे रहा है रफली, और एक जो ड्राइवर है वो स्मूथली ब्रेक लगाता है, स्मूथली एक्सेलरेट करता है गाड़ी को। तो इसका दोस्तों सीधा सा सॉल्यूशन है कि ट्रैफिक में जो आपकी है ना गाड़ी, ट्रैफिक में आप दूसरी गाड़ियों से गैप रखें और स्मूथली ब्रेक लगाएं, स्मूथली एक्सेलरेट करें गाड़ी को, इससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की एवरेज अच्छी आएगी। अगर आप मान लो गैप अच्छे से प्रॉपरली नहीं रखेंगे, आप सीधा ब्रेक लगा देंगे, आप सीधा एक्सेलरेटर पे जोड़ देंगे, रफली आप यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एवरेज बहुत ही कम आएगी। और इस पर एक और चीज़ होती है कि आप कॉन्स्टेंटली मतलब कि रेगुलरली जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो 70-80-90 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं, क्योंकि अगर आप गाड़ी को 120-140 की स्पीड पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके टायर वियर टियर हो सकते हैं एक टाइप से, और ये रिस्क भी होता है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से गाड़ी की एवरेज अच्छे से निकल की नहीं आती है। तो इसलिए कंपनी भी क्लेम करती है कि 70-80 की स्पीड चलाएं एवरेज अच्छी निकालने के लिए। मान लो गाड़ी का प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे, 120-140 की स्पीड पे गाड़ी को रेगुलरली ऐसे भगा रहे हैं हाईवे पे, तो कहीं ना कहीं आपकी एवरेज अफेक्ट होगी, फ्यूल एफिशिएंसी बेकार आएगी गाड़ी की, इंजन की परफॉर्मेंस बैठ जाएगी, अच्छी नहीं रहेगी, और एवरेज बहुत ही कम निकल के आएगी 12-13। तो इस पे ये फ़र्क होता है कि गाड़ी अगर सेम है, मान लो उस बंदे के पास भी किया सोनेट है और दूसरे बंदे के पास भी किया सोनेट है, पर एवरेज दोनों के डिफर कर रहे हैं सेम नहीं आ रहे, तो उसका रीज़न ये होता है कि एक बंदा रफली गाड़ी को चला रहा है और एक बंदा गाड़ी को स्मूथली चला रहा है, टाइम टू टाइम स्मूथली ब्रेक ले रहा है, स्मूथली एक्सेलरेट कर रहा है, और एक अच्छी स्पीड मेंटेन करके गाड़ी चला रहा है 70-80 के करीब। तो इसलिए उसकी एवरेज अच्छी आती है गाड़ी की, उसकी माइलेज अच्छी आती है, उसकी इंजन परफॉर्मेंस अच्छी होती है, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है गाड़ी की। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जिससे आपकी एवरेज और माइलेज इंप्रूव हो गाड़ी की। जो आपकी जो सिक्स्थ मेन थिंग है एवरेज माइलेज के टर्म्स में वो होती है लो RPM हायर गियर। कहने का मतलब जो आपके RPM लेवल, आपको पता है कि आपके गाड़ी में एक टैकोमीटर होता है जो इस साइड में आप देख रहे हैं सुई 128, ये है आपका टैकोमीटर, ये देख रहे हैं आप, ये जो 43-44 लिखा रहा है ये तो आपको पता है ये डिजिटल है, इसमें किया सोनेट में सब कुछ, ये आपकी स्पीडोमीटर है मतलब स्पीड आपकी बता रही है एक टाइप से ठीक है। तो टैकोमीटर जो आपका होता है ये आप अगर 1-2 RPM के बीच में रखते हैं, जैसे अभी चल रही है ना, तो गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, जैसे आप एवरेज देख सकते हैं 15 की है, जबकि मैंने व्हीलर्स पर ड्राइव किया है नहीं, गांव के रोड पर चलाया है, शहरों पर चलाया है, तब 15 की दे रही है एवरेज। तो आप अगर RPM को ना 2 से नीचे रखेंगे या 2 तक रखते हैं 1-2 के बीच में, तो एवरेज गाड़ी की अच्छी आती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप लो RPM रखें 1-2 के बीच में और गियर हायर लगाएं, मतलब 4th-5th गियर पर ड्राइव करें अगर रोड अच्छी है तो उस हिसाब से मतलब ड्राइव करें। ये नहीं कि आप 2200 RPM पे या 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में ज़्यादा RPM और छोटी गियर पर ड्राइव करें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, मतलब कि हायर RPM
और लोअर गियर, मतलब कि वैसे तो आपको पता है IMT वेरिएंट है ये किया सोनेट का, और इसमें आपने ये भी पता है कि आप दूसरे गियर पे भी 70-80 की स्पीड चला सकते हैं। पर जब दूसरे गियर में 70-80 की स्पीड चलाएंगे तो क्या होगा, RPM लेवल आपका बढ़ जाएगा, 6-7 तक चला जाएगा, जो कि गाड़ी के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है, इंजन के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। जो आपकी फ्यूल एफिशिएंसी है वो कम आएगी और एवरेज बहुत ही बेकार आएगी गाड़ी की। तो एवरेज अच्छी दिलवाने के लिए गाड़ी को आप जो गाड़ी के RPM 1-2 के बीच रखें, हायर गियर पे गाड़ी को चलाएं, मतलब जब चौथे की जरूरत पड़े तो चौथा लगाएं, पांचवी की जरूरत पड़े पांचवा लगाएं, इससे आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो कहीं ना कहीं अच्छी आएगी। तो ये एक आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हायर गियर लोअर RPM जिसे हम कहते हैं। तो गाइस ये आपको अगर आप देखेंगे तो सीधी से मैं आपको बताऊं तो ओनर्स मैनुअल जो है ना आपका, आप उसको चेक करना, उसमें आपको ये सारे मतलब एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल इंजेक्टर या फिर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, सब कुछ उसके बारे में नॉलेज आपको मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है। तो उसके बारे में आप पढ़ना और उस हिसाब से आप फॉलो करना चीज़ को, तो आप देखना उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा और उसमें आपको सब कुछ ईजिली मिल जाएगा। देखो मैंने अभी चौथा गियर पे है गाड़ी, ठीक है, 50 की स्पीड चल रही है तो अभी 2 RPM से नीचे है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा देता हूँ, अगर मैं ये तीसरा गियर ले लेता हूँ, ये देखो तीसरा गियर लिया, इंजन पे जोर पड़ रहा है, RPM देखो कहाँ जा रहा है, 2-3 के बीच में, देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, आपके इंजन पे ज़्यादा जोर पड़ेगा और मांग कितना रही है, पांचवा, तो इससे एवरेज कम होगा, माइलेज कम होगा और इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अगर चौथा मांग रही है जैसे भी तो चौथा लगा दें, ये देखो चौथा लगा दिया। तो ऐसे ड्राइव करना है आपने जिससे गाड़ी की एवरेज और माइलेज बहुत ही अच्छी आएगी, फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की अच्छी रहेगी, गाड़ी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगी, इंजन पे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सेटिस्फाई रहेंगे अपने गाड़ी से, क्योंकि आज के टाइम पे बचत करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेकार तरीके से गाड़ी चलाएंगे, माइलेज बेकार देगी, फ्यूल ज़्यादा खाएगी गाड़ी, तेल ज़्यादा खाएगी, तो इसलिए ऐसा ना करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे आपको इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद एंड टेक केयर।